कर सकते हो। जैसा कि आप देख रहे हो कैमरे में सब कुछ क्लियर एंड नीट एंड क्लियर है। सो वेलकम बैक टू द चैनल गाइस। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि हम अपने फ़ोन के कैमरा को कैसे वेब कैम में कन्वर्ट करेंगे। जैसा कि आप जब जूम मीटिंग अटेंड करते हो या कोई मीटिंग अटेंड करते हो लैपटॉप से, तो आपके लैपटॉप का कैमरा यूज़ होता है। अगर आपके लैपटॉप का कैमरा सही नहीं है तो आपका वहाँ पर जो वीडियोज़ बनता है, जो इमेजेस जाते हैं, बहुत ही बेकार क्वालिटी में जाते हैं। तो उसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम अपने इस फ़ोन के कैमरा को वेब कैम में कन्वर्ट करेंगे और देखेंगे कि मीटिंग की क्वालिटी कैसी आ रही है। तो जैसा कि आप कभी कभी देखते हो कि जो omegle.com है वहाँ पे कुछ लोग अपना वीडियो भी बनाते हैं, तो वहाँ पे कोई DSLR को यूज करता है, कोई कैमरा को यूज करता है। तो गाइज जब आप अपना कैमरा यूज करते हो किसी omegle या ऐसे ही omegle पे चैटिंग करते हो या वीडियो चैटिंग करते हो, तो आपका लैपटॉप का कैमरा जो है बहुत अच्छे क्वालिटी में ना हो करके लोग स्किप कर देते हैं। तो उस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे और अपने फ़ोन के कैमरा को लैपटॉप के मीटिंग में यूज करेंगे। तो ये वीडियो आप देखेंगे तो आपका ये वेब कैम में ये आपका फ़ोन का कैमरा कन्वर्ट करने का तरीका आपको डेफिनेटली पता हो जाएगा। तो सबसे पहले हम गूगल क्रोम पे जाएंगे, वहां पे वेब कैम करके सर्च करेंगे जैसा कि आप देख रहे हो। उसके बाद फर्स्ट लिंक को क्लिक करके हम डाउनलोड करेंगे एक सॉफ्टवेयर, ठीक है। उसके बाद हम गूगल प्ले स्टोर से जाके हम उसको प्ले स्टोर से डाउनलोड करेंगे और उसके बाद इंस्टॉल करेंगे फोन में। डाउनलोड होते ही उसको अपने सिस्टम में इंस्टॉल करेंगे। इंस्टॉल करते ही आप यहाँ पे सारा प्रोसेस इंस्टॉल कर लेंगे, फिनिश कर लेंगे। उसके बाद आपको क्या करना है, अपने फ़ोन के प्ले स्टोर पर जाना है और वहाँ पे आइरिन वेब कैम सर्च करना है और फर्स्ट एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है। तो आप ये डाउनलोड कर लेंगे। उसके बाद जब इसे ऐप को ओपन करेंगे तो आपको एक एक सेटिंग करनी है कि वो सेटिंग क्या है, कि आपको जो आपका ये फ़ोन है उसको डेवलपर ऑप्शन में जाके डेवलपर ऑप्शन को ऑन करना है। तो डेवलपर ऑप्शन को ऑन कैसे करेंगे, आप देख रहे हैं सेटिंग में जाके मॉडल नंबर पे जाके यहाँ पे जो बिल्ड इन ऑप्शन है उसको 6 से 7 बार क्लिक करेंगे तो आपका डेवलपर ऑप्शन ऑन हो जाएगा, ठीक है। डेवलपर ऑप्शन ऑन होने के बाद ये आपका जो एप्लीकेशन है एज अ वेब कैम काम करने लगेगा। जब जैसे ही आप ओपन करोगे देखोगे कि इस ऐप को ओपन करते ही आपका जो कैमरा एक्टिवेट हो जाएगा और सारे वीडियोज़ आपका फ़ोन में रिकॉर्ड होना स्टार्ट हो जाएगा। तो आप चलिए ट्राई करते हैं omegle को, ठीक है। तो omegle.com पे जाते हैं, वहाँ पे टर्म एंड कंडीशन को अप्लाई एक्सेप्ट करके स्टार्ट करेंगे। यहाँ देख रहे हैं कि प्रॉब्लम आ रही है कि हमारा जो सिस्टम का कैमरा है वो एक्टिवेट है, उसको हमको डिसअलाउ करना है, मतलब डिसेबल करना है। तो डिवाइस मैनेजर में जाके उसको कैमरा को सर्च करेंगे। कैमरा सर्च करते ही उसको हम डिसेबल कर देंगे। इससे आपका क्या होगा कि ये जो बिल्ड इन कैमरा है उसको डिसेबल हो जाएगा और ये आपका जो वेबकैम का कैमरा है वो एक्टिवेट हो जाएगा। एक्टिवेट होने के बाद ये आपका मोबाइल का जो कैमरा है वो एक एज अ वेबकैम काम करेगा। आप कोई भी मीटिंग अटेंड कर लो, कुछ भी कर लो, आपका वीडियोस क्वालिटी बहुत ही हाई एंड बहुत ही सिक्योर तरीके का आप दिखेगा। इससे आपका इंप्रेशन बढ़ेगा और आप इसे वीडियो भी रिकॉर्ड कर सकते हो। जैसा कि आप देख रहे हो कैमरे में सब कुछ क्लियर एंड नीट एंड क्लियर है। तो अगर वीडियो पसंद आए आप तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और ऐसे वीडियो देखने के लिए चैनल को विजिट कीजिए अंदर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।